हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल बिहार की फेमस बाटी चोखा की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बाटी के साथ खाने वाला चोखा की रेसिपी लेके आ गए हैं और आज हम इस भरते को बनाएंगे बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से, और वो भी कम समय में, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा सा छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊं ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना बाटी वाला स्पेशल बिहारी स्टाइल में चोखा बनाने की रेसिपी। मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगी तो साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज और लोगों के पास पहुँच सके। तो हम इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ले लिए हैं एक बड़ा बैंगन, और फिर हम ले लेंगे दो उबले हुए आलू, और एक हम ले लिए हैं टमाटर, दो हरा मिर्च, और एक हम हरा लहसुन ले लिए हैं, और छोटा सा हम ले लिए हैं अदरक का टुकड़ा। तो चलिए हम सबसे पहले बैंगन को पका लेते हैं, और बैंगन को हम रोस्ट करके पकाएंगे। उससे पहले हम बैंगन में 2 से 3 कट लगा लेंगे, फिर हम लहसुन को एकदम बारीक कटिंग कर लेंगे, और फिर हम हरी मिर्च को भी एकदम बारीक कटिंग कर लेंगे, और फिर लास्ट में हम अदरक को भी एकदम बारीक काट लेंगे। हमने आलू को पहले से कुकर में बॉईल कर लिया है, और फिर हम फिर से आलू को रोस्ट कर लेंगे गैस पे, और रोस्ट किए हुए इस आलू को हम भरते में डालेंगे, और इससे हमारा चोखे का फ्लेवर दुगना हो जाएगा और हमारा चोखा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और ये देखिए, हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को हमने एकदम बारीक काट लिया है, और अब थोड़ा सा ले लेंगे हम धनिया की पत्ता, क्योंकि धनिया की पत्ता के बिना हमारा ये चोखा कंप्लीट नहीं होगा। तो हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती को भी एकदम बारीक कटिंग कर लेंगे, और बैंगन को हम गैस पे रखने से पहले बैंगन में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, सरसों तेल या रिफाइंड कोई भी तेल हो, 2 से 3 बूंद हम अच्छे से कोट कर लेंगे बैंगन के ऊपर ताकि हमारा बैंगन गैस के बर्नल में चिपके ना। और ये देखिए, हम सरसों तेल बैंगन पे लगा रहे हैं, और 2 से 3 बूंद हम टमाटर को भी ऐसे ही लगा लेंगे तेल। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ, और गैस को कर लेंगे ऑन, और उस पे रखेंगे हम एक रोस्टर, और अब हम रोस्टर पे रख देंगे बैंगन को, और अच्छे से हम बैंगन को रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए, हमने बैंगन रख दिया गैस पे, और गैस को हम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि बैंगन अच्छे से पक जाए। और जब कभी बैंगन ऐसे रोस्ट करें तो ज़रूर 1 या 2 कट लगा लें ताकि बैंगन हमारा फटे ना। कभी कभी बैंगन फट जाते हैं, एयर ले लेते हैं ना रोस्ट करते समय, तो बैंगन फट जाते हैं, और कट लगाने से हमें बैंगन पता भी चल जाता है ख़राब है या सही है। और ये देखिए, हम बैंगन को अच्छे से पलट पलट के चारों तरफ से रोस्ट कर रहे हैं। बैंगन को पकने में थोड़ा सा समय लगेगा तो घबराए नहीं, गैस मीडियम फ्लेम पे ही रख के बैंगन को पकाएं, और आराम से धीरे धीरे इसको रोस्ट करें, और चारों तरफ से घुमा घुमा कर बैंगन को हम रोस्ट करेंगे ताकि हमारा बैंगन किधर से भी कच्चा ना रह जाए। और ये देखिए, बैंगन जैसे जैसे पकता जा रहा है वैसे वैसे कलर चेंज होता जा रहा है, और आप कलर देख के घबराइएगा मत कि बैंगन हमारा जल गया है, बैंगन हमारा जलेगा बिल्कुल नहीं। और ये देखिए, हमने बैंगन को अच्छे से एकदम रोस्ट कर लिया है, और आपको ऊपर दिख रहा है कि जला हुआ, लेकिन बैंगन अंदर एकदम बिल्कुल नहीं जला होगा। तो चलिए अब हम इस बैंगन को उतार कर रख लेते हैं एक प्लेट में, और इसी रोस्टर पर हम रख लेंगे बॉईल किया हुआ आलू, और आलू को हम 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे। और हम अब टमाटर को भी रख देंगे उसी रोस्टर पे ताकि हमारा टमाटर भी अच्छे से रोस्ट होता रहे। आलू हमारा पका हुआ है इसलिए हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, और टमाटर को अच्छे से हम रोस्ट करके पका लेंगे। तो चलिए, टमाटर और आलू भी हमने अच्छे से पका लिया है रोस्ट करके। तो चलिए जी, अब हम इन सब का भरता बना लेते हैं, यानी कि बाटी वाला चोखा बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम आलू के छिलके उतार लेंगे, और ये देखिए, हमने दोनों आलू के छिलके उतार लिए हैं, और आलू हमारा अंदर बिल्कुल नहीं जला है क्योंकि हमने आलू को बस हल्का 2 मिनट रोस्ट किया है।
और फिर आलू के बाद हम टमाटर के भी छिलके उतार लेंगे। और ये देखिए टमाटर का छिलका कितना स्मूथली कितना आराम से निकल रहा है। और अब हम बैंगन का भी छिलका ऐसे ही निकाल लेंगे धीरे धीरे आराम से। और ये देखिए बैंगन अंदर बिल्कुल नहीं जला है। और ये देखिए आलू टमाटर बैंगन बाहर से कितने जले जले दिख रहे थे और अंदर बिल्कुल नहीं जला हुआ है। बॉईल किए हुए आलू टमाटर और बैंगन और रोस्ट किए हुए आलू टमाटर बैंगन दोनों डिफरेंट टेस्ट हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगता है रोस्ट किया हुआ चोखा। और ये देखिए हमने बैंगन के कितना स्मूथली और कितना अच्छे से छिलका उतार लिया है। और अब हम डंठल को काट के निकाल देंगे। और फिर अब हम ले लेंगे एक आलू मैशर और आलू मैशर से हम टमाटर और बैंगन को अच्छे से हम मैश कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं पर अभी बहुत गर्म है बैंगन टमाटर आलू तो हम मैशर से ही मैश कर रहे हैं। और ये देखिए हमने बैंगन और टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है। और अब हम लेंगे एक बड़ा प्लेट और बड़े प्लेट में आलू को उसमें मैश कर लेंगे। और फिर मैश किए हुए आलू में हम मैश किया हुआ टमाटर मैश किया हुआ बैंगन डाल देंगे और फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तीनों को। इस भरते के साथ तो बाटी ही मज़ा देता है पर आप रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है। और इस चोखा के साथ मैं बाटी का भी रेसिपी लेके आ रही थी पर बहुत लंबा हो जाता वीडियो इसलिए हमने सिर्फ चोखा का रेसिपी डाल दिया है। नेक्स्ट डे मैं बाटी का भी वीडियो डाल दूंगी। और ये देखिए हमने आलू बैंगन और टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े और फिर हम बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल लेंगे। फिर हम डाल लेंगे इसमें बारीक कटे हुए सारी लहसुन और फिर हम डाल देंगे सारी धनिया की पत्तियाँ। और फिर हम चोखा में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच हम जवाइन डाल लेंगे। जवाइन को हाथों से मैश करके डालेंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए जवाइन का चोखा में। और फिर फाइनली हम इसमें डाल लेंगे सरसों तेल। इस चोखे में हम सरसों का ही तेल डालेंगे क्योंकि सरसों के तेल के बिना हमारा ये चोखा अधूरा है तो हमने दो चम्मच सरसों तेल डाल लिया है। और अब हम अच्छे से चोखा को मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए फाइनली हमारा बाटी वाला बिहारी स्टाइल में चोखा तैयार हो चुका है बाटी के साथ खाने के लिए या फिर आप रोटी के साथ खाइए बहुत ही टेस्टी लगता है ये चोखा। मेरे कहने से आप एक बार इस बैंगन के भरते को घर पे जरूर बनाएं और टेस्ट करें। और मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बाटी का डालने वाली हूँ तो याद से मेरे चैनल पे जाके बाटी का भी वीडियो जरूर देख लें। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी की तैयारी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।